रविवार 23 अक्टूबर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तैयारियों पर भी बात की। रोहित ने रविवार को होने वाले महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग अटैक को बड़ा चैलेंज बताया। साथ ही उन्होंने इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 को मौसम पर निर्भर बताया। एक समय रोहित की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को लेकर अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर देंगे, लेकिन भारतीय कप्तान ने ऐसा नहीं किया। रोहित शर्मा ने कहा, हमारे सारे प्लेयर्स फिट हैं, मैदान पर उतरने के लिए बेकरार हैं, लेकिन कौन कौन खेलेगा इसका फैसला कल मौसम पर निर्भर करेगा। वहीं शमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, बुमराह के इंजर्ड होने के बाद हम कोई ऐसा ही बॉलर चाह रहे थे जो पुरानी बॉल के साथ उतना ही प्रभावी हो जैसा कमाल नई गेंद से कर सके। अगर बात भारतीय बॉलिंग अटैक की करें तो रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द स्पिन गेंदबाजी है। एक तरफ रविंद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किए गए अक्षर पटेल है जो की गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में बाएं हाथ के 3 बल्लेबाजों की मौजूदगी के कारण उनका अंतिम एकादश में चयन होना मुश्किल है। वहीं पाकिस्तान जैसी टीम के सामने रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी मौजूदगी टीम में विविधता लाती है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में युजवेंद्र चहल टीम की पहली पसंद के स्पिनर होंगे, तो वहीं तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी के साथ भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह की टीम में जगह पक्की लग रही है। रोहित ने कहा कि यूएई में पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के बाद हम 35 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल कर आ रहे हैं। हम बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हैं। हम टूर्नामेंट शुरू होने से काफी पहले ही ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। पर्थ में 9 दिन गुजारे, ब्रिस्बेन में 2 प्रैक्टिस मैच खेले। हमारा मकसद कंडीशंस में घुलना मिलना था। बीते कुछ साल में टीम ने रिजल्ट के बारे में न सोचते हुए बेखौफ क्रिकेट खेली, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन हालातों में पाकिस्तान की बॉलिंग चैलेंज होगी, लेकिन हमारे बल्लेबाज पूरी तरह तैयार है। अब देखना होगा कि रविवार को होने वाले इस मुकाबले में कौन सी टीम किस पर कितना भारी पड़ती है। क्या टीम इंडिया पिछले साल वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले पाएगी या नहीं। अगर बात करें दोनों टीमों के बीच 2010 के बाद खेले गए मुकाबले की, तो दोनों के बीच कुल 23 मुकाबले खेले गए, जिनमें 16 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली, तो वहीं 7 मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।